इस पैटर्न को कटिंग करने के बाद अब हमें जो है कि हमें फ्रंट साइड का जो गला जो पार्ट निकालना है उसके लिए इस तरीके से हम पेपर पर फिर से इस निशान को लेंगे। तो पेपर पे इस तरीके से इस पार्ट को हमें रख लेना है। और यदि हमें यहाँ पर बुकाई करना है तो यहाँ बढ़ाएंगे, यदि फ्रंट में बढ़ाना है तो हम फ्रंट में बढ़ाएंगे। तो हम यहाँ पर बुकाई जो है फ्रंट साइड में बढ़ाने वाले हैं, तो इसलिए हम इस तरीके से यहाँ पर साइड पर आधा इंच लगभग मार्जिन रख लेंगे। आधा इंच मार्जिन रखने के बाद इसे हमें थोड़ा सा और ऊपर करना है, लगभग 1.5 इंच का कपड़ा हमें नीचे चाहिए होगा एक्स्ट्रा। तो ये देख लेते हैं हमारा 1.5 इंच कहाँ आ रहा है, तो ये हमें ना इस तरीके से देखना है। तो 1.5 इंच हमें जल्दी से इस तरीके से देखना है। ये देखिए हमें यहाँ नीचे से मार्जिन कम से कम 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो ये हमने यहाँ पर इतना एक्स्ट्रा कपड़ा रख लिया है। तो ये देखिए इस तरीके से इस मार्जिन को हमें एक्स्ट्रा लेना होगा, क्योंकि हमारा जब बेल्ट पट्टी जुड़ेगी और ऊपर जुड़ेगा तो हमारा ये कम हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा ले लिया और मार्जिन लिया है। यहाँ से हमारा जो है हुकाई पट्टी लगेगी, तो ये फ्रंट साइड के लिए हमारा इतना ये लेना एक्स्ट्रा ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमने मार्जिन ले लिया है। और अब जिस भी सेप का ये हमारा है, इसी सेप को इस तरीके से देखिए ड्रॉ कर दे रहे हैं। ये देखिए आगे की ओर डाउन हुआ है तो डाउन कर देते हैं, और आप चाहें तो सीधी वाली लाइन को भी इस तरीके से खींच सकते हैं। तो ये आसानी से हो जाएगा जो भी पैटर्न है। तो इस तरीके से हमें करते हुए सारी लाइनों को इस तरीके से ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए ये हमने जो भी इसका जैसा सेप था ड्रॉ कर लिया है। और ये देखिए साइड का भी हमने इसी तरीके से ड्रॉ कर लिया है। ये हमारा यहाँ से सीधे चला जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमारा ये एक्स्ट्रा हमारा ये रहेगा, और यहाँ से भी एक्स्ट्रा है हमारा, और हमारा जो भी पार्ट है इस तरीके से हमारा ये एक्स्ट्रा है। अब हमें यहाँ पर इसका सेंटर लेना है। तो यहाँ पर ऐसा इस तरीके से होल कर देंगे। होल करने के बाद इसको इस तरीके से देखिए होल कर दिया। अब हमें सीधे सीधे नाप को ले लेना है, या नाप भी सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से करने के बाद हमें यहाँ से पेंसिल से एक निशान यहाँ पर लगा देना है। तो ये देखिए निशान हमारा यहाँ पर आ गया है। अब इसे हटा लेंगे। हटाने के बाद हमें जो ये लाइन है हमें इसे सीधी कर लेनी है। तो सीधी करने के लिए हमें इस तरीके से स्केल को रखना है, और रख के इस निशान को इस तरीके से मिला लेना है। ये देखिए इधर गया, और जो एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे मार्जिन लिया है तो उसे भी हमें इस तरीके से लाइन करके हम यहाँ पर दिखा दे देंगे। हमारा एक्स्ट्रा है इधर बेल्ट जुड़ेगा और फिर तो हमारा ये कपड़ा कम हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे भी आगे वाले गले का सेप देने के लिए हमें इस तरीके से क्या करना है, आगे वाले गले का को बनाना है। तो यहाँ पर इस तरीके से जो स्टार्टिंग सीधे पॉइंट से हमें यहाँ पर गला जो लेना है तो वो हम ले रहे हैं 6.5 पर। इस तरीके से करते हुए यहाँ पर लाइन खींच दी सीधी, और यहाँ से इस लाइन को इधर की ओर खींच देंगे। तो इसे हमें स्केल से मिला देना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर भी स्केल से बैग भी मिला सकते हैं इंची टेप से रख के। तो ये देखिए हमने इसको इधर मिला दिया है। अब हमें क्या करना है, इसमें सेप देना है। इसमें आप जो भी सेप देना चाहते हैं उस तरीके का सेप आप इसमें दीजिए। यहाँ पर आधा 1 इंच यहाँ पर इस तरीके से लिया है, और लेने के बाद अब हमें क्या करना है कि इसकी गोलाई दे देनी है, या जो भी पैटर्न यहाँ पर आप तैयार करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर इस तरीके से करते हुए बना लीजिए। और गले को थोड़ा और बड़ा को ब्रॉड करना है यहाँ पे, तो इसी जगह पे हमें गले का सेप और यहाँ पे फैलाव वाला या कोई और भी सेप आप दे सकते हैं, यदि आगे का गला आपको और बड़ा करना है तो। तो इस तरीके का भी पैटर्न आप यहाँ पे बना सकते हैं, गले को बाहर से थोड़ा सा निकालते हुए भी कर सकते हैं। अब हमें जो आगे की जो गोलाई देनी है तो वो हमें कैसे देना है, तो यहाँ से हमें ध्यान देना है कि कितना लेना है। यहाँ से हमें लेना है लगभग 1 इंच के करीब, या 0.75 के करीब। यहाँ पर निशान हमने लगा दिया, देखिए 0.75 के करीब यहाँ पर एक निशान लगा दिया इस तरीके से। और इस निशान को हमें यहाँ पर इसके सेंटर पे आएंगे। देखिए ये लगभग ये जो हमने लिया था 5.75, इसका सेंटर लगभग यहाँ पर मान लेते हैं ये इस जगह पर है। इससे हमें थोड़ा सा आधा इंच से कम इस तरीके से होते हुए हमें इस लाइन को देखिए इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से कैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसी तरीके से करते हुए हमें थोड़ा सा बाहर इस तरीके से आना है। देखिए
अब जब हम यहाँ पर हमारा ये जो शोल्डर है ये करीबन हमारा ये लगभग 1.5 इंच तक में ये तैयार होगा। तो ये देखिए यहाँ से हम इसे कट करके निकाल ले रहे हैं। और ये तो हमने तो ये हमारा आगे का है और इतना लेंगे स्टार्टिंग से। यहाँ पर लगाएंगे 12.5 पे या 13 पे निशान लगाएंगे 34 चेस्ट के लिए। यदि 36, 37, 38 होता है तो 13, 13.5 पे और बहुत ज़्यादा जिसका हाई ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा हैवी होता है उसके लिए हम यहाँ पे 13.5 पे लेते हैं। तो यहाँ पर हम अभी 12.5 पे लेंगे। आप 13 पे भी ले सकते हैं और 12.5 पे भी ले सकते हैं। तो ये हमारा नाप एकदम सही आता है। तो यहाँ पे आप 13 पे ले लीजिए चाहे 12.5 पे लीजिए तो आपका परफेक्ट एकदम बेल्ट निकल के आएगा। तो यहाँ पर हम 12.5 पर निशान लगा रहे हैं इस तरीके से। ये देखिए कि हमें इस निशान को सीधा कर लेना है। तो ये देखिए हमने ऊपर यहाँ पर इधर की ओर इस तरीके से सिंपल सा टेक्निक बता रहे हैं। इधर की ओर आप 1 इंच ले लीजिए और यहाँ पर 1/2 इंच पर निशान लगा लीजिए। लगाने के बाद हमें इसे इस तरीके का शेप दे देना है। यहाँ से इस तरीके का शेप दे देना है। अब हमें जो पहली प्लेस पड़ती है 34 चेस्ट पर हमें यहाँ पर इस तरीके से जैसे कि ब्रश पॉइंट किस हिसाब से या हाइट के हिसाब से भी ये फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर ये हमें लेना है 10.5 पर या 10 पर। यदि किसी का ब्रश पॉइंट यहाँ पर 9.5 पर आ रहा है तो इसे आप 10 पर लीजिए। तो हम यहाँ पर इसका ब्रश पॉइंट जो है 10 पर ले रहे हैं। तो यहाँ पर 10 पर एक निशान लगाया। इस निशान को अब हमें इधर से लेना है चौड़ाई में। तो यहाँ से कम इसको लेना होगा 4 पे। तो यहाँ पे 4 पे या 3.75 पर इस जगह पे आप निशान ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 4 पे लिया है। तो इस जगह इसे कट लगा देना है और इस निशान को हम नीचे की ओर सीधे मिला देना है क्योंकि यहाँ पर हमारी ये एक प्लेट पड़ेगी। अब ये प्लेट हमारी किस तरीके से पड़ती है वो प्लेट हमारी यहाँ पर इस तरीके से पड़ेगी। तो इसके बाद अब हमें इधर की ओर एक प्लेट डालनी है। तो उसे कैसे डालेंगे तो उसे हमें लेने के लिए क्या करना होगा इस तरीके से ये हमारा इधर कोने में जाएगा और यहाँ पर लगभग 2 इंच का निशान यहाँ पर लगाएंगे और 2 इंच दूरी पे एक निशान यहाँ पर हमारा आ जाएगा 90 का एंगल बनाते हुए। तो एक निशान हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इस निशान को हमें इस तरीके से इधर मिला देना है। ठीक है, यहाँ से ऐसे पकड़ के सिलाई होगी इधर की ओर। तो 5.5 पर या 6 पर तो यहाँ पर हमें एक निशान इधर की ओर लगा दिया। हमने यहाँ पर एक निशान 6 पर लगा दिया इस तरीके से। इस निशान को हमें इधर की ओर इस तरीके से मिला देना है। ये देखिए इस तरीके से इस निशान को इधर मिला दिया। अब यहाँ से हमें एक सेंटर पर एक निशान चाहिए। तो ये जो हमारी लाइन है 5 का हाफ हो जाता है यहाँ पर 2.5। तो यहाँ पर एक निशान हम लगा देंगे इस जगह पर। इसे इस तरीके से करते हुए यहाँ पर भी हमें इस तरीके से यहाँ से लेंगे तो ये 2.5 इंच पर एक निशान इस तरीके से करके ले लेंगे और इस प्लेट को हमें इस तरीके से यहाँ पर डाल देना है। अब हमें क्या करना है ये जो है सारी निशानों को इस तरीके से थोड़ा सा कर्व दे देना है। ये देखिए नीचे की ओर थोड़ा सा नीचे की ओर कर्व देंगे हल्का सा इस तरीके से इसका शेप आ जाएगा। अब हम इसकी यहाँ पर कटिंग कर देते हैं। तो ये देखिए हमारी बेल्ट के इस तरीके से थोड़ा सा राउंड लेते हुए यहाँ पर इस तरीके से कट लेते हुए हमें कटिंग कर देना है और इस तरीके से कट करना है। ये कट हो गया। कट करने के बाद हमें जो ये हमारा एक्स्ट्रा जो पार्ट है इसे भी हमें कट करके निकाल देना है। ये लगभग 1/2 इंच इस तरीके से, इससे इसका शेप जो है परफेक्ट आ जाएगा। ये देखिए कट कर दिया। कट करने के बाद हमें जैसे प्लेटें पड़ती हैं सारी प्लेटें वैसे ही पड़ेंगी। अब
प्लीज़ यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके मैं जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।